मयूर उद्यान कल्याण समिति एवं संजीवनी हील फाउंडेशन द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी मयूर उद्यान कल्याण समिति और संजीवनी हील फाउंडेशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन मयूर उद्यान कॉलोनी इंदिरा नगर लखनऊ में किया गया। विगत 5 वर्षों से यह आयोजन होता चला आ रहा है। संजीवनी हील फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती अलका श्रीवास्तव का कहना है कि पूरे कॉलोनी के लोगों के सहयोग से यह आयोजन होता है और हम कॉलोनी वासियों को इस आयोजन से बड़ा सुकून मिलता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी ने शिरकत किया और रक्त दान देने वाले सभी व्यक्तियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री टंडन ने कहा कि मयूर उद्यान कल्याण समिति तथा संजीवनी हील फाउंडेशन द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही नेक और सराहनीय है। उन्होंने कहा, मैं तो यहाँ के लोगों के बीच का हूँ, लेकिन आज इस शिविर में आकर अपने को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। कार्यक्रम में जमील अहमद, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह, अनुराग श्रीवास्तव, किशोर पंत, राखी निगम, आशुतोष कुमार, एडवोकेट नेहा त्रिपाठी, नीलम जी, शेखर कुमार, सुनील कुमार, पुनीता मिश्रा, संदीप, अरुण हिमानी आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में संजीवनी हील फाउंडेशन की अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। रिपोर्ट, राखी निगम। पुष्प देकर के उनका स्वागत करते हैं। और वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। सर, आपको हम अपनी समिति की तरफ से छोटा सा एक मोमेंटो आपको देना चाहते हैं। स्वच्छता की पहचान, स्वच्छता की पहचान, स्वच्छता की पहचान। बहुत तालियां इनके लिए। दूसरे रामनाथ चौधरी जी, ये रखते जाइए, ये रखते जाइए, ये रखते जाइए प्लीज। कुछ लोग बता रहे हैं कि परफ्यूम के लालच में शायद ब्लड डोनेट करें, किसी भी उसमें आए। थैला थैला दे दीजिए, थैला थैला फटा। हाँ, ये थैला। मिस श्रेया भार्गव, हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप के अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समिति के अध्यक्ष श्री जमील अहमद साहब, इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री किशोर पंत जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद भाई राम कुमार वर्मा जी, मिश्रा जी और जय प्रताप जी, अभिषेक जी, सीमैप के डायरेक्टर डॉक्टर तुलिका चंद्रा जी, सभी यहाँ उपस्थित चिकित्सक गण, जिन भाइयों बहनों ने अभी यहाँ रक्तदान किया है, ऐसे सभी उपस्थित मेरे भाई बहन
ये मयूर उद्यान कल्याण समिति 5 वर्षों से आयोजन कर रही है और मुझे लगता है उन 5 वर्षों में 3 वर्ष मैं यहाँ रहा हूँ। आपके बीच मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिस समर्पण और उत्साह के साथ आप कार्यक्रम आयोजित करते हैं वो बहुत जगह देखने को नहीं मिलता है। रक्तदान हम सब जानते हैं ये एक ऐसा, इसको महादान कहा गया है, रक्तदान महादान। मनुष्य ने बहुत प्रगति की और विज्ञान ने बहुत प्रगति की और तमाम प्राकृतिक चीजों के विकल्प भी बना डाले, लेकिन आज तक रक्त का विकल्प मनुष्य नहीं बना पाया और मुझे लगता है कि जब तक ये प्रकृति है मनुष्य बना भी नहीं पाएगा। और जिस समय ईश्वर न करे किसी को रक्त की आवश्यकता, दीपाली श्रीवास्तव जी, और पिछले साल भी आपने, मुझे याद है आपने डोनेट किया था। श्रीवास्तव जी का ब्लड क्या 5 सालों से चल रहा है और इसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो जा रही है। बहुत खुशी की बात है, कई जगह आपत्तियाँ होती है कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, ब्लड डोनेट करने से प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे के अंदर रिकवरी हो जाती है और हम सबको लगभग 3 महीने के में ही करना ही चाहिए ब्लड डोनेट। और मुझे लगता है कि समाज में अगर इस बीच में मेरे जो भी मानवतन मिला है विशिष्ट अतिथि कर पाए तो हमारे आसिफ अली साहब आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप मंच पे आ जाएं, कहाँ तक जागरूक करना चाहिए। मैं चाहती हूँ एक समय ऐसा आए कि रक्तदान करना ही ना पड़े, सब लोग स्वस्थ हो जाए। आई तो आप ही सम्मानित कराते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? जैसा कि यहाँ हम लोगों को विदित हुआ कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और संगीत में इंटरेस्ट रखती हैं, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, लेकिन हमारे खास रिक्वेस्ट पे इस बार, हालांकि ये डॉक्टर्स का सपना हुआ है, लेकिन एक महक आ जाए जिंदगी में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमारे अनमोल परफ्यूम से हमारे साथी आए हुए हैं, जैसा कि आप रक्तदान में आए हैं, ठीक है, रक्तदान से रिलेटेड, रक्तदान के बारे में क्या कहना है आपका? धन्यवाद।